दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मियों को भी एक बड़ा तोहफा दिया है। वो तोहफा है ऑटोमेटिक सीवर मशीन, जिसके चलते सीवर की सफाई करने वाले कर्मचारियों को उनके काम में बड़ी राहत मिलने वाली है। सीवर की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को अक्सर जान जोखिम में डालनी पड़ती है। कई ऐसी दुर्घटनाएं भी सामने आ चुकी है जब सीवर चैम्बर की सफाई करने उतरे सफाई कर्मियों की मौत हो गयी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सीवर लाइनों की सफाई के लिए 100 और ऑटोमेटिक सीवर मशीनों को खरीदने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के लिए लोगों को फाइनेंशियल हेल्प देने की योजना चला रही है। इसके तहत सफाई कर्मचारियों और दिव्यांग लोगों को राष्ट्रीय सर्वोच्च निगम के साथ मिलकर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और अब सरकार ने 100 और ऑटोमेटिक जेट सीवर सकिंग मशीन को लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए सफाई के काम से जुड़े कर्मचारी या उनके परिवार वाले आवेदन कर सकेंगे, जो दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर काम करेंगे और उन्हें सरकार मदद देगी। आपको बता दें कि ये मशीनें पहले से लगाई जा चुकी 200 मशीनों के साथ जुड़ेंगी। इन मशीनों को उन जगहों में भी ले जाया जा सकता है जहां बड़ी मशीनें नहीं जा सकती। एक मशीन की लागत 40 लाख रुपए के करीब है। दिल्ली सरकार की इस पहल के बाद सफाई कर्मियों की मौत के जोखिम को रोकने में मदद मिलेगी। और अब देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार के जरिए लिए गए इस फैसले से ऐसी समस्याओं का निदान कितने हद तक हो सकेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।